हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है शेप्स एंड एंगल। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर। रोहिणी एंड मोहिनी दोनों जुड़वा बहनें हैं। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। उन दोनों को सेम काम करने में बहुत मज़ा आता है। वन डे व्हेन दे वेयर मेकिंग शेप्स विद मैस्टिक। वो क्या करती थी, एक दिन मैस्टिक से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना रही थी। शैला गेव देम अ चैलेंज। वहाँ पर शैला थी तो शैला ने उन दोनों को चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया, शैला बोली रोहिणी विल मेक अ शेप। रोहिणी एक शेप बनाएगी। मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट। मोहिनी को भी ऐसा ही शेप बनाना है, पर देखे बिना, विदाउट लुकिंग, देखे बिना उसको ऐसा ही शेप बनाना है। बट सी कैन आस्क क्वेश्चन। वो देख नहीं सकती बट क्वेश्चन पूछ सकती है। तो मोहिनी बोली ओह दैट इज सो सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है। देखो रोहिणी मेड दिस शेप। रोहिणी ने ऐसा शेप बनाया। मोहिनी बोले, मोहिनी ने क्वेश्चन किया इज इट अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप। मोहिनी बोले क्या ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है। तो रोहिणी बोले इट इज अ क्लोज्ड शेप। ये शेप कैसा है, क्लोज है, आपको दिखाई देता है ना कैसा शेप है, ये क्लोज शेप है। मोहिनी ने दूसरा क्वेश्चन किया हाउ मैनी साइड्स आर देयर। उनको कितनी साइड है। तो रोहिणी ने बताया इट हैज सिक्स साइड। इसको कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइड है। मोहिनी मेड दिस। तो मोहिनी ने ऐसा शेप बनाया। नाउ यू गिव द आंसर इज इट अ क्लोज शेप। क्या ये क्लोज शेप है, तो यस आप देख सकते हैं ये शेप कैसा है, क्लोज ही है ना, कहीं से ओपन दिखाई देता है, ये कैसा है, क्लोज है। तो हम आंसर में लिख देंगे यस। डज इट हैव सिक्स साइड, क्या इसको सिक्स साइड है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको भी सिक्स साइड है। तो लिख देंगे यस। बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। बट ये रोहिणी के शेप जैसा शेप नहीं है। सो मोहिनी ट्राइड अगेन। मोहिनी ने फिर से ट्राई किया। दिस इज वॉट सी मेड। उसने फिर से ऐसा शेप बनाया। ये शेप आप देख सकते हो। इज इट अ क्लोज्ड शेप विथ सिक्स साइड। ये क्लोज शेप है, उसमें वो सिक्स साइड से बना हुआ है, आप बता सकते हो। तो यस ये कैसा शेप है, क्लोज है, दिखाई देता है ना, कहीं से ओपन है, नो क्लोज है। और उसको साइड भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइड है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यस ये क्लोज शेप है जो सिक्स साइड से बना हुआ है। इज इट इज द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। क्या ये रोहिणी के जैसा बना हुआ है, तो नो, रोहिणी ने तो कैसा बनाया था और इसने कैसा बनाया है। तो आंसर में क्या लिखना है, नो ये रोहिणी के जैसा नहीं है। Is there some way to say in what way these shapes are different? आप बता सकते हो ये शेप कैसे डिफरेंट है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये रोहिणी का शेप है कैसा है और ये मोहिनी ने बनाया, उसने तो दो ट्राइंगल जैसे बना दिया है, शेप तो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, वरिट ना। मोहिनी ट्राइड अगेन बट गो डिफरेंट शेप। मोहिनी ने फिर से ट्राई किया पर फिर से डिफरेंट शेप बना। गेस एंड मेक टू मोर शेप। मोहिनी कुड हैव मेड। तो आप गेस करो मोहिनी ने कैसा कैसा शेप बनाया होगा, वो आपको गेस करना है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड ड्रेस में है, वो कौन है, शैला है। वो मोहिनी से बताती है
If you ask for the angle that the mastic make at the corner, you can do. अगर तुम मैस्टिक से बने कॉर्नर के बारे में पूछो तो वैसा ही शेप तुम बना पाओगी। तो मोहिनी बोली, ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल, ओ तो चलो हम एंगल देखते हैं। तो लुक एट द एंगल मार्केड इन दिस शेप, यहाँ पर आप शेप में एंगल मार्क किया हुआ देख सकते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस, ये सब एंगल डिफरेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मोहिनी ने शेप बनाया था, वो शेप यहाँ पर है, उसके एंगल दिखाए गए हैं। एंगल मीन्स कॉर्नर। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंगल दिखाए गए हैं। यहाँ पर मोहिनी ने दो शेप बनाया था, वो दोनों के एंगल दिखाए गए हैं। तो ये एंगल तो कैसा है, ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। तो आप इस सभी में डिफरेंस देख सकते हैं। देखो ये एंगल कैसा है, बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है एंगल, ये वाला छोटा है। तो सभी एंगल कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ रोहिणी, यहाँ पर आप कौन है, रोहिणी है। रोहिणी बोली, सी हाउ द मैस्टिक मेक अ स्मॉल एंगल, अ बिग एंगल एंड अ बिगर एंगल। रोहिणी बोली, मैस्टिक से हम स्मॉल एंगल बना सकते हैं, उससे बड़ा एंगल बना सकते हैं और उससे भी बड़ा एंगल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बनाया है, कैसे एंगल है ये बना है, तो सभी दो ही मैस्टिक से है, पर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। तो रोहिणी और मोहिनी बातें करते हैं। वाओ, व्हेन द एंगल चेंज द शेप चेंजेस सो मच, द एंगल चेंज हो जाता है तो शेप भी चेंज हो जाते हैं। देखा ना आपने, एंगल चेंज होता है तो शेप भी कैसे कैसे चेंज हो जाते हैं। वट इट, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट।